अस्सलाम वालेकुम, सब बन जाएंगे आपके फ़ैन जब खाएंगे आपके हाथों से ये मखनी चिकन रोस्ट। तो ये मखनी चिकन रोस्ट बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बना है। अगर आपको इसी तरह मखनी चिकन रोस्ट बनाना है तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मखनी चिकन रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 700 ग्राम चिकन, उसके अंदर हमें चाहिए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और स्पाइसी के लिए हरी मिर्ची और 9-10 लहसुन की कलियां, मैंने उसमें 2 टुकड़े कर लिए हैं, थोड़े से कड़ी पत्ते और 3 चम्मच दही ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैं ऐड करूंगी, इससे मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और थोड़े से नींबू के जूस ऐड करूंगी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, और 3 से 4 चुटकी कुकिंग सोडा। ये कुकिंग सोडा से चिकन बहुत सॉफ्ट और अंदर से जूसी बनाता है। फिर इस तरीके से मिक्स कर देंगे सबको, ये देखिए ऐसे मिक्स करना है। फिर 1 घंटे के लिए हमें इसे मैरिनेट के लिए रखना है। चलिए अब हम स्पाइसी के लिए कुछ मसाले जमा कर लेते हैं। 6 सूखी मिर्ची लेंगे और 1 चम्मच सूखा धनिया लेंगे और 5 से 6 लौंग लेंगे, जावित्री के टुकड़े लेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े लेंगे और 3 छोटी इलायची लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे और 1 फूल चक्री लेंगे। फूल चक्री को मैंने इस तरीके से टुकड़ा कर लिया है। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च और ये सबको पीस लेंगे। आप चाहिए तो इसे भून के भी पीस सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई गरम हो जाएगा तो उसमें हम 30 ग्राम बटर ऐड करेंगे। बटर को हमें अच्छे से गलाना है और जब बटर अच्छे से गल जाएंगे तो मैंने 2 मीडियम साइज का कांदा लिया था, उसे बारीक चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर देंगे और कांदा जब तक ब्राउन होगा तब तक हम इसे भूनेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा कांदा ब्राउन होना चाहिए, जब ब्राउन हो जाएगा तो हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे और फिर बटर और कांदे के साथ हम इसे मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जब आपके हाथ से सब खाएंगे तो आपसे बार बार बनवा के खाएंगे और ये आप ज़रूर ट्राई करना और ये आपका भी फेवरेट बन जाएगा इंशाल्लाह। इसमें हम थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे खुशबू के लिए और इसे हम सिलोही आँच में पकाएंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हम इसे 5 से 6 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, 5 से 6 मिनट मैंने इसे पका लिया है, भून लिया है अच्छे से और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस इतना काफ़ी होगा हमारा चिकन गलने के लिए और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से, ताकि हमारे चिकन में मसाला अच्छे से लग जाए और फिर इसे हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। देखिए हमने इसे 15 से 20 मिनट पका लिया है। फिर फ्रेंड्स, हमने जो मसाला पीस के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है, बहुत टेस्टी बनता है ये मखनी चिकन रोस्ट को और ही टेस्टी बना देता है ये मसाला। तो माशाल्लाह अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसे हम फिर से 5 से 6 मिनट पकाएंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे 5 से 6 मिनट पका लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बन के रेडी हो गया है। बस 2 मिनट इसे हम रोस्ट करेंगे और अच्छे से इसको सुखा लेंगे। देखिए इस तरीके से कलर होना चाहिए, देखिए हमारा मखनी चिकन रोस्ट का कलर कितना अच्छा और कितना टेस्टी लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हम लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर और थोड़े से नींबू के रस और फिर इनको हम मिक्स कर देंगे।
बिल्कुल बन के रेडी हो गया हमारा मखनी चिकन रोस्ट, बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। आप लोग इसे बना के खाइए, फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। बना के खा के ही कमेंट करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइव विद आसमा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिए।